For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Dilbar से अलग होने का गम क्या है? ये Dilbara track देखने के बाद definitely समझ में आएगा. Yes. Well, hello guys, welcome to Movies Adda. मैं हूँ ज्योति नाहक. बहुत सारे romantic tracks आते हैं, बहुत सारे sad songs आते हैं, romantic sad songs. और ये song जैसे हर song काफी ज़्यादा दिल में उतर जाता है, romantic sad songs जो होते हैं, ये song भी उन songs में से एक है. जी हाँ, पति पत्नी और वो में से Dilbara track out हो चुका है. अखियों से गोली मारे out हुआ था, लोगों को काफी पसंद आया. अब एक sad song, पहले peppy dance number आया, अब एक sad romantic track आया है, जिसकी story देखकर ये समझ में आ रही है कि definitely कार्तिक आर्यन जो है वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, भूमि पेडनेकर को मिस कर रहे हैं. हालांकि उनके साथ उनकी वो यानी कि अनन्या पांडे है, फिर भी वो कहीं ना कहीं वाइफ को मिस कर रहे हैं. और कुछ ऐसी स्टोरी नज़र आ रही है, भूमि का एक अलग ही अंदाज़ देखने को नज़र आ रहा है हमें. और अगर मैं बात करूँ इस गाने की, ऑफकोर्स सचेत टंडन वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस वी हैव इन आर कंट्री. सचेत और परंपरा की ये जोड़ी है वापस से. म्यूजिक कंपोज किया है इन्होंने इस गाने का और गाया सचेत ने है इस गाने को डेफिनेटली. और कार्तिक आर्यन एक अलग ही जोन में, एक अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं. यूजुअली हमने सैड सॉन्ग में कार्तिक आर्यन को नहीं देखा है, हम हमेशा उन्होंने पेपी नंबर्स में इमेजिन करते हैं ज़्यादा. पर ये इज डेफिनेटली चेरी ऑन द केक फॉर द फिल्म एंड फॉर कार्तिक आर्यन एंड फॉर एवरीबडी एल्स इन द फिल्म रिलेटेड टू द फिल्म. सो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया. आजकल गाने जो है वो टिकटॉक पे ज़्यादा वायरल होते हैं और मुझे लगता है जिस तरीके से फिलहाल सॉन्ग ने टिकटॉक पर आग लगाई, पछताओगे सॉन्ग ने लगाई, वैसे ये यानी कि Dilbara सॉन्ग भी कहीं ना कहीं आग लगाएगा. और बेहद अच्छा गाना है, मैं अपनी तरफ से 4.5 देना चाहूँगी इस सॉन्ग को. आप बताइए मुझे सुनकर आपको कैसा लगा और कॉमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि गाना कितना पसंद आया. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.